ऑर्गेनाइज़ की है वो आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए की है। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स जो है वो हमारे कश्मीरी यूथ को मिसगाइड और रेडिकलाइज करके उनको टेरर फोल्ड्स में शामिल करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे ही एक मॉड्यूल का पता आर्मी 29 RR और JNK पुलिस बारामूला ने लगाया है, और जिसके तहत हमने 5 ऐसे नौजवानों को आइडेंटिफाई किया है कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए रابطے में थे और वहाँ से उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूट करने की साजिश की जा रही थी। इस साजिश के तहत हमारे इन नौजवानों को बहकाया जा रहा था, रेडिकलाइज किया जा रहा था और उनको उकसाया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगते ही जो है हमारी टीम्स ने इन नौजवानों को आइडेंटिफाई किया और उनके पेरेंट्स के ज़रिए, क्योंकि ये जो नौजवान है इनमें कुछ जो है जुविनाइल्स हैं, कम उम्र के हैं, इनके पेरेंट्स के ज़रिए इनको हमने काउंसलिंग की। इनका पूरा जो भी मोडस ऑपरेंडा है पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स का, उसका पता लगाया कि किस तरीके से ये जो है नौजवानों को बहका रहे हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इनको अपने टेरर ग्रुप्स में शामिल कर रहे हैं, और सस्टेंड काउंसलिंग के बाद इन बच्चों को जो है हमने उनके पेरेंट्स के हवाले किया है। उनके पेरेंट्स को भी हमने ये गाइडेंस की है, काउंसिल किया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, वो किस तरीके के लोगों के साथ कांटेक्ट में है सोशल मीडिया पे, उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे नौजवान बच्चे जो है इनके हत्थे ना चढ़े और इनकी साजिश का हिस्सा ना बने, क्योंकि ये बच्चे जो है जुवेनाइल्स थे और हमने सोचा कि इनको हम एक मौका दे सकते हैं, एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं इनके लाइफ के लिए, इसलिए हमने इनको अपने पेरेंट्स के हवाले किया हुआ है। इनकी आइडेंटिटी हम प्रोटेक्टेड रख रहे हैं फॉर द सेंस ऑफ देयर सिक्योरिटी ऑल्सो। तो मैं आप सब के माध्यम से जो है तमाम पेरेंट्स को यही सूचना देना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने यंग जो आपके बच्चे हैं उन पर, ख़ास तौर पे टीनेज जो बच्चे हैं उन पर ध्यान रखिए, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को फॉलो कीजिए और उनके साथ आप हमेशा बात करते रहिए। और ऐसा कहीं भी आपको अगर नज़र आता है कि आपके जो बच्चे हैं वो किसी भी अनटूवर्ड या अननेसेसरी अनवॉरेंटेड कॉन्टैक्ट्स के टच में है,